वेलकम टू दी मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 302 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि दी बाइनरी वैल्यू 1010110 इज इक्विवेलेंट। अब ये जो बाइनरी वैल्यू है ये इक्विवेलेंट है इनमें से किसके, जितने नंबर्स आपको दिए गए वो है 86। सो 86 इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इफ़ ऐड 723, अगर हम ऐड करते हैं 723 एंड 134 बाय रिप्रेजेंटिंग दैम इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, को रिप्रेजेंट करते हुए फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन आई ई बाई फर्स्ट, जैसे कि बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग दैम इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन और कन्वर्ट करना उनको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर एंड देन एडिंग दैम, उसके बाद फिर उनको ऐड करना, दी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिजल्ट विल बी, जो वैल्यू होगी एक्सपोनेंट ऑफ रिजल्ट की वो क्या होगी, वो होगी 2। सो 2 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द रेंज ऑफ एक्सिस 8 कॉर्ड इज फ्रॉम, जो रेंज है एक्सिस 8 कॉर्ड की वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है +7 to -8। सो +7 to -8 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप के मैप, यानी कि जो थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप के मैप हैज डैश सेल्स, उसके डैश सेल्स हैं फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म्स, सो वो है 8 सेल्स। सो 8 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि GAL जो है इज एन एक्रोनिम फॉर, ये एक्रोनिम है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए, वो है जेनरिक एरे लॉजिक, जेनरिक एरे लॉजिक के लिए। उसके बाद ये कि इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड इज 0 वोल्ट, अगर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो होता है अक्रॉस एक्टिव लोड वो जो है 0 वोल्ट है ड्यू टू द एब्सेंस, एब्सेंस की वजह से करंट ऑफ करंट, करंट के द कंपैरेटिव कंपैरेटर आउटपुट वो क्या है, वो है इज 1। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये डी मॉर्गन्स टू थ्योरम, डी मॉर्गन्स टू थ्योरम जो है वो प्रूव करता है कि द इक्विवेलेंसी ऑफ एन एंड एन एंड एंड डैश गेट्स एंड द एन और एंड डैश गेट्स रिस्पेक्टिवली, इसका जवाब है नेगेटिव और नेगेटिव एंड। सो नेगेटिव और नेगेटिव एंड इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि PLDs हैव इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, PLDs की इन सिस्टम प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है जो कि अलाउ करती है डैश कि वो प्रोग्राम हो आफ्टर दे हैव बीन इंस्टॉल, इसके बाद कि वो इंस्टॉल हो चुके हैं ऑन अ सर्किट बोर्ड, सो वो है PLDs, अलाउज द PLDs, अलाउ करता है PLDs को कि वो प्रोग्राम्ड हो। उसके बाद ये दी कांस्टेंट क्लिक इज इक्वल्स टू क्लॉक इज यूज टू, यानी कि इसको यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए दैट द डैश स्टेट वेरिएबल चेंज, डैश स्टेट वेरिएबल जो वो चेंज होता है क्लॉक ट्रांजिशन के ऊपर वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका आंसर है। उसके बाद ये टू टाइप ऑफ मेमोरीज, नेमली दो जो टाइप है मेमोरी की, नेमली फीफो जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है एंड लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो इम्प्लीमेंट होती है यूज करते हुए क्या, शिफ्ट रजिस्टर्स। सो शिफ्ट रजिस्टर्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द सिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम जो हैज ऑल्सो अ बर्स्ट फीचर, इसका भी एक बर्स्ट फीचर होता है जो कि अलाउ करता है सिंक्रोनस एस रैम को कि रीड किया जाए या राइट अप किया जाए टू डैश लोकेशन, डैश लोकेशन तक यूज करते हुए सिंगल एड्रेस, इसका जवाब है 4। सो 4 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द डैश इनपुट, कौन सा इनपुट जो है ओवरराइड करता है डैश इनपुट को, सो द एसिंक्रोनस इनपुट ओवरराइड दी सिंक्रोनस इनपुट। उसके बाद ये द SOP एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय एंड डैश कॉम्बिनेशन, डैश कॉम्बिनेशन के जरिए गेट के वो है एंड और, सो एंड और इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप हैज, जो थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप है उसके कितने सेल्स हैं, 8 सेल्स, 8 जो है इसका आंसर है। उसके बाद ये कि मेमोरीज अरेंज इन डैश, मेमोरी जो है वो अरेंज होती है डैश के अंदर, वो है टू डायमेंशनल मैनर्स, सो टू डायमेंशनल मैनर्स इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये टू नंबर इन BCD, अगर दो नंबर जो है BCD रिप्रेजेंटेशन के अंदर जनरेट करते हैं कि इनवैलिड BCD नंबर देन द बाइनरी डैश इज एडेड टू द रिजल्ट, सो बाइनरी डैश को एडिट किया जाता है रिजल्ट तक, वो है 1001। उसके बाद ये द टेस्ट वेक्टर डेफिनेशन डिफाइन, टेस्ट वेक्टर डेफिनेशन डिफाइन करता है टेस्ट वेक्टर फॉर ऑल थ्री काउंटर इनपुट एंड डैश काउंटर इनपुट आउटपुट, इसका आंसर है 3। सो अ मल्टीप्लेक्सर, एक मल्टीप्लेक्सर जो एक रजिस्टर सर्किट के साथ कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, पैरेलल डेटा टू सीरियल, पैरेलल डेटा जो है सीरियल के अंदर। उसके बाद ये एंड एन और बेस्ड, एन और बेस्ड जो है SR लैच जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग डैश गेट्स, डैश गेट्स को यूज़ करते हुए इंस्टेड ऑफ डैश गेट्स, उसके जवाब है एन और एन एंड।
सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये सिलेक्ट द मोड ऑफ प्रोग्रामिंग, सिलेक्ट करें मोड ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच GAL16V8 कैन बी प्रोग्राम, जिसके अंदर इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके अलावा ऑल ऑफ द गिविंग जितने भी हैं, तो सिंपल मोड भी है उसमें, कॉम्प्लेक्स भी, और रजिस्टर्ड मोड भी आ जाता है। उसके बाद ये द एबल इनपुट फाइल कैन यूज अ डैश, ये जो फाइल है ये यूज कर सकते हैं डैश इंस्टेड के जो इक्वेशन है स्पेसिफाई करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन। इसके अलावा तर्क टेबल, सो तर्क टेबल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीफो बफर, इम्प्लीमेंटेशन जो है फीफो बफर की इन डैश, डैश के अंदर जो है वो यूजुअली टेक्स, यूजुअली तौर पे लेती है डैश फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर बफर, सो यूजुअली इन रैम, रैम के अंदर जो है, रैम इसका आंसर है। उसके लिए द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, आउटपुट जो एन एंड गेट का इज डैश, वो डैश होता है व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन, जब तमाम इनपुट जो है वन होते हैं, सो आउटपुट जो है जीरो होता है। उसके बाद ये अ प्रोडक्ट टर्म इज जीरो, एक प्रोडक्ट टर्म जो है वो जीरो है कब, एनी वन लिटरल इज जीरो, जब एनी वन कोई भी एक लिटरल जो है वो जीरो है। उसके बाद ये डैश डिवाइस डिसिपेट, कौन सी डिवाइस जो है वो डिसिपेट करती है वेरिंग अमाउंट ऑफ पावर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, वो है सीमोस, सीमोस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये बुलियन एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म, ये जो है परफॉर्म किया जाता है बाय आ और एंड डैश गेट, इसके अलावा और गेट से। उसके बाद ये कि एसओपी एक्सप्रेशन, एक एसओपी एक्सप्रेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डैश गेट्स, वो है एंड और गेट्स, और एंड और